नमस्ते दोस्तों, आपका कुकिंग पिंकी चैनल स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल व्रत के लिए साबूदाने और समा के चावल का डोसा। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये साबूदाने लिए हैं। 1 कप साबूदाने में हम लेंगे आधा कप समा के चावल। साबूदाने का पहले हम पाउडर बना लेते हैं, इसी तरह से हम समा के चावल का पाउडर बना लेंगे। सभी का हमने पाउडर बना के ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसका घोल बनाएंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में पहले हम पाउडर डालेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। इससे क्या है कि बैटर अच्छे से फूलेगा और इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप किस रेसिपी की वीडियो देखना पसंद करते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करके उस रेसिपी की वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर बन गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमने डाला है, एक साथ पानी नहीं डालना है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। और इसको बराबर मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से, बैटर पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसको ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना फूल कर ये बैटर अच्छा हो गया है। एक बार मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमें थोड़ा सा और स्पून से मिक्स करना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसमें कुछ सामग्री डालेंगे। व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसमें डालेंगे सेंधा नमक और जीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया था, वो स्किप हो गया है वीडियो पॉज होने से। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ, और व्रत में खाने के लिए नहीं बनाना हो तो इसमें सब्जियाँ भी कट करके डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और बाकी भी मसाले ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं चम्मच पे इस तरह से आपको उंगली लगा के दिखाया है, इस पर रुका है, इतना ही रुकना चाहिए। इधर मैंने गैस पर तवा को गर्म करने के लिए रख दिया था, उस पर थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है और कपड़े से हमने क्लीन कर दिया है। अब हम इसमें जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह से फैलाना है डोसे की शेप में। थोड़ा सा ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, अभी हमें फुल पे नहीं रखना है। मैंने इसको परफेक्ट तरीके से फैला के छोड़ दिया है लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, अब हम इसको पलट देते हैं। एक साइड अच्छे से पक गया है, दूसरी साइड इसको पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर से हम इसको दोबारा से पलट देते हैं, क्या है कि दोनों तरफ और अच्छे से पक जाए। पलट पलट के सेकना है और ये कड़कड़ा भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमारा व्रत में खाने के लिए डोसा बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी बना के खाएं इस नवरात्रि में। व्रत में अगर हम इसको दिन में एक बार बना के खा लेंगे तो भूख भी नहीं लगेगी और थकान भी नहीं महसूस होगी, ये हेल्दी भी होता है। तो आप भी बनाइए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।